शो के साथ एक दफा फिर मैं हाजिर खिदमत हूँ और आज आप हसन ही डिसेंट है। अरे यस ये ठीक है और हमारा शो जो है वो बहुत ही डिसेंट है और आज का टॉपिक ये है कि मर्द और औरत, मियां और बीवी। और कहते हैं कि अगर किसी के पास अच्छा मोबाइल और खूबसूरत बीवी आ जाए तो बंदा टेंशन में ही रहता है कि कहीं छिन ना जाए। और मैंने एक अखबार में ही पढ़ा था कि अगर जिनकी बीवियां खूबसूरत होती हैं वो शौहर जल्दी मर जाते हैं, उनका बीपी हाई रहता है, शुगर लेवल उनका हाई रहता है। और वो क्यों रहता है, हमारे तजिया निगार यहाँ पर मौजूद है, हमारे मोहल्ले का बच्चा असल में एक बहुत ही प्यारा बच्चा है दानिश मकसूद, और उनके साथ मौजूद है हमारी बहुत अच्छी मॉडल एक्ट्रेस अनम और बरकत साहब मौजूद है। जी बरकत साहब, मर्द और औरत के बारे में बात करिए। लेडीज फर्स्ट, पहले आप बताएं। नहीं पहले आप, अच्छा आप बात करें प्लीज। मर्द और औरत के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ पुराने जमाने में, आज के जमाने, और क्या डेवलपमेंट, क्या स्टेटमेंट, क्या रिक्वायरमेंट है और क्या रिफ्रेशमेंट है। एक चीज तो मैं पहले पूछना चाहूंगी, मर्द औरत की बात तो हो गई, जैसे दानिश ने कहा बीचे लोग कहाँ गए, वैसे हमारी फील्ड में बहुत मीठे, मतलब मीठे तरीके से बात भी करते हैं, मीठे तरीके से मेकअप भी करते हैं और मीठे तरीके से पैकअप भी करते हैं। बिल्कुल साहब, मैं ये जो खबर सुनी है कि जैसे दिन की बीवियां बड़ी खूबसूरत होती है वो जल्दी मर जाते हैं, ये बात सच है? हाँ, देखिए मर्द की पहली ख्वाहिश क्या, दूसरी शादी, दूसरी ख्वाहिश, हाँ दूसरी ख्वाहिश बच्चा, आखिरी ख्वाहिश, आखिरी ख्वाहिश तू अपने घर में अपने घर। अगर एक बात करो, देखिए अब मैं बड़ी टेक्निकल बात करने जा रहा हूँ, अगर आप लोग तवज्जो से ना सुने तो। देखिए मर्द हजरात क्या है, मर्द हजरात का मर्दों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, मर्द जो सुलूक औरतों से शादी से पहले करते हैं वही सुलूक शादी के बाद करें तो तलाक ही ना हो, और औरतें जो सुलूक मर्दों से शादी के बाद करती हैं वही सुलूक शादी से पहले करें तो दुनिया में कोई शादी ना हो। वाह जी वाह, कितना मतलब याद कर माजरा चाहता हूं, माजरा और अच्छी बात है। अगला जलसा कहां है आपका, आपके घर पे और नहीं घर मेरा मैदान, हां कॉन्सेप्ट है ना यार, मर्द शुरू शादी से हुआ, लड़की पहले तो पहले देखने से हुआ, पहले जमाने में क्या रिश्ते होते थे, आप गलत बोल रहे हैं, शुरू हुआ छाने वाली से, फिर मंगनी पहुंची फिर शादी आई, वो तो अपनी अम्मी अब्बू का किस्सा बता रहे ना। नहीं देखो मेरे दोस्त कहते हैं शादी के लिए लड़की देखने जाओ तो उसकी आवाज रेडियो से भी ज्यादा हल्की होती है, फिर पता नहीं शादी के बाद ये बुफर कहां से लग जाते हैं। तलाक होती क्यों है, क्यों होती तलाक, वही कि यार बहुत देर हो गई, मेकअप शादी की वजह से, शादी करोगे तो तलाक होगी। अच्छा मेकअप की वजह से क्यों होती है भाई, शादी से पहले मेकअप होती है, शादी के बाद मेकअप के बगैर देखता तलाक। हाँ और शौहर की ख्वाहिशें भी बड़ी होती है, एक घर में मतलब घर सजा हुआ हो, जब मैं आऊँ बीवी जो है वो बाम लगा के पट्टी बांध के ना बैठी हुई हो, प्याज और लहसुन की बदबू ना आ रही हो, ये खवातीन को भी जो है शौहर की शिकायत क्या होती, बीवी से करा शौहर बीवी से करा, तुम सारा दिन घर में होते हो फिर भी घर की सफाई नहीं होती, बीवी के लिए आप भी तो सारा दिन ऑफिस में होते हो फिर हम अमीर क्यों नहीं होते। लड़के फिल्में देखते ना, वो चाहते हैं वैसी बीवियां मिले, वैसी बीवियां मिलती नहीं है, उस तरह से रहती नहीं है, उस तरह से करती नहीं है, तो तलाक दे। बहुत अच्छे भाई, बहुत अच्छे, माशाल्लाह क्या सोच रहे हैं इस शो में, और अगर वैसी बीवियां मिली हैं पूरे मोहल्ले में रौनक है, क्या बात है भाई, सनी लियोन की बात कर रही है, अच्छा भाभी की बात है। आप तो भाभी बोलते हैं, मैं बच्चा हूं ये क्या बता, आप बात बड़े नहीं, बात पता है कि मैं तो ये स्पेशली शौहर को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जो बीवी आपके लिए घर में किचन में आपके लिए अपना हाथ जला देती है आप घर आकर उनका दिल जलाते हो। आज जलाने वाली बीवियां, घर गृहस्थी वाली बीवियां जिनकी वजह से शौहर बेचारे सरवाइव कर रहे हैं। हाँ, किचन में अलग माहौल होता है, घर में हर जगह का अलग माहौल होता है, और ये बीवी को समझना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल कहाँ किस तरह का माहौल रखना है। मतलब सारी बातें बताऊं तुझे नन्ने, अच्छा ये मुझे एक बात समझ में नहीं आती, ये जो कहते हैं कि मर्द अगर औरत पे हाथ उठाए, कहते हैं वो मर्द ही नहीं है, ना मर्द है, और अगर औरत शौहर पे हाथ उठाए तो वो मर्द नहीं है, वो घर मतलब औरत नहीं है, वो ना औरत है, आप कहते हैं किस बारे में। नहीं देखिए हाथ तो दोनों को नहीं उठाना चाहिए, चाहे वो मर्द हो या जिस घर में हाथ उठ जाता है मोहब्बत से काम, फिर बहुत सी चीजें उठ रही होती है, एक बात बताओ नहीं फिर गमले उठ रहे होते हैं, फिर गमला, एक बात बताओ मेरी अम्मी ने कभी जिंदगी में अब्बू का हाथ नहीं उठाया, क्यों, हमेशा चप्पल से पर। आपकी अम्मी अब्बू तो किससे मोहल्ले में बड़े मशहूर है भाई, आप तो जल्दी सो जाते थे, कहने का मकसद ये है कि लड़ाइयां बहुत हुई इनके, आपको जैसे आपके अब्बू बता रहे थे मुझे, देखिए बात पता है क्या कहते हैं, जो बीवी हर वक्त अपने शौहर को साथ लिए फिरती है ना वो उस बिल्ली की तरह होती है जो चूहे को जान से मारने के बाद भी उसे खेलती रहती है। हाँ टॉम एंड जेरी ये भी है। अच्छा ये बात सही है कि मतलब सर्दियों का माहौल अलग होता है, गर्मियों का माहौल अलग होता है, ये समझना चाहिए मियां बीवी को। सर्दियों में क्या करना, लिहाज के अंदर से मुंह निकाल दो, अब वहां पर डाल दो, नहीं लगे पूरी सर्दी वो तो फिर
अच्छा ऐसा क्यों है कि नवंबर दिसंबर में बूढ़ों को जोड़ों के दर्द और जोड़ों को दिलों के दर्द याद आते हैं? हाय 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 ऐसा आप इसके बारे में क्या तफसीर? ये समझ में नहीं आती, लोग स्टेटस लगा रहे थे दिसंबर में पोएट्री और ये वो, क्या है चक्कर क्या? लेकिन जैसे दिसंबर में शादियां भी हो रही होती हैं, ये देखें आप दिसंबर में ज्यादा शादी, और शादियां ऐसी होती है ऐसा लगता है जैसे दूल्हा दुल्हन पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि दूल्हे दुल्हन पे 50% डिस्काउंट मिलने लगे, फिर क्या होगा? ये जीत जाएगा हमारा भाई। तो मैं कोई अच्छा सा दूल्हा ले आऊं? हैं लो ले आओ, क्या मार्केट से लेके आओगे? डिस्काउंट मिलेगा तो अरे तुम्हें मिलेगा ना, और होए को बड़ा के बनाऊंगा फुल तो ब्रांड कर माशाल्लाह। हां जी संडे संडे मार्केट में थोड़ी मिलने हैं शॉट, वो खुली बोतल लेके फिर रहा होगा डॉक्टर नाम लिए। ये टैलेंटेड बच्चे है, बारिश में बैठकर पूरा अखबार पढ़ लेता है। अखबार पढ़ना ऊपर छतरी होती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मुझे एक चीज समझ नहीं आती है, लोग जैसे जिसकी भी शादी हो रही थी, जो रिश्तेदार होते हैं वो कहते हैं भाई सर्दियों में रखना शादी, ये क्या वजह है? गर्मियों में नहीं सर्दियों में रखो? आप सर्दियों में रखेंगे या गर्मियों में, आप ये बताएं, यहाँ शोर पे छोड़ देंगे भाई आप रखना? नहीं मैं भी सोचती हूँ सर्दियों में मेकअप खराब नहीं होता ना, एक बात हो रही है सर्दियों में मेहमान आते ना चिपक के सो जाते हैं, घर में पसीना आता तो अलग अलग थोड़ा जगह ज्यादा घेरते। अरे बड़ी वैसे इसने बड़ी जबरदस्त बात की है, मोटर बड़ी लगी हुई करोड़ रुपए की बात की, क्योंकि पुराने अभी भी बहुत सारे ऐसे घर है जहाँ पर मोहब्बतें होती है, मतलब खुलूस है बेटा, वो मोहब्बत नहीं दिल दिल की मोहब्बत, वो तो आप भगाएंगे क्योंकि तू सबको भगा रहा था ना वहाँ पर। बात ये है कि वो जो आपस में जो रिश्तेदारों में मोहब्बतें बाकी है, लोग एक एक महीना पहले आके रुकते हैं सही है अभी भी, और ये सही कह रहे सर्दियों में ये होता है कि एक लिहाज में 6 चले गए। आज के दौर में औरत का सबसे बड़ा झूठ क्या है? क्या है? मैं उससे पूछ के बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछ के बगैर नहीं करती। अच्छा ये औरत तो झूठ होता है ना, मैं उससे पूछ के बताऊंगी क्योंकि मैं कोई भी काम उनसे पूछ के बगैर नहीं करती। और मर्द का सबसे बड़ा झूठ क्या? क्या मैं उससे नहीं पूछता भाई, हमेशा अपनी मर्जी करता हूँ, ये झूठ है। आजकल की जो जनरेशन, आजकल शादीशुदा औरतों की दुख, आजकल शादीशुदा औरतों की दुख की सबसे बड़ी वजह क्या है? अपनी औलाद को सुधारने की बजाय अपनी सास की औलाद को सुधारने में लगी रहती है। अपनी औलाद को सुधारो, अपनी औलाद को सुधारो, अपनी औलाद को सुधारना चाहिए। इसके कहने का मकसद क्या? आप अच्छा आप बताइए ना कि आपको शादी के लिए, आप तो पहले भी पूछ चुके हैं, तो आपको कैसा मर्द की रिक्वायरमेंट है कि आप कहेंगे भी मुझे ऐसे मर्द में ये खुसूसियात हो, ये नहीं होना चाहिए, इतने टाइम पर आया मुझे ये नहीं बोले कि चलो उठो सफाइयां करो, या ज्यादा एक होता है नफसियाती भी होते हैं सफाई पसंद होते हैं, अगर वो नहीं हुआ तो भेज दे किसी को, यार मैं नहीं आ सक रहा। लविंग केयरिंग मतलब क्या? मतलब ये कि अगर मैं उसके लिए किचन में खड़ी होकर गर्मी में खाना बना रही हूँ तो उसको भी चाहिए कि वो भी किचन में आए, नहीं फूल लेकर आए आते हुए, मतलब अच्छा फूल लेकर आए और आप किचन में खड़ी हुई खाना बना रही है और आप एक्सेप्ट कर लेगी आप? आजकल के मर्द ना फूल लेके नहीं आते, बाहर तो सिर्फ धूल लेके आते हैं, जो कराची का हाल हुआ है। और आप बहुत करोड़ की बात ये है, करोड़ रुपए का आदमी है। अच्छा नहीं, अगर सास अगर अल्लाह ना करे, देखिए सबकी बात होती है नसीब की बात, सास अगर आपको अच्छी नहीं मिली जी तो कैसे मैनेज करेंगे? होता है ना सास का होता है, सास सास के बिना मुझे बहू से झगड़ होते, तो आखिर तुम्हारी रोटी गोल कब बनेगी? वो गिरी आपके पेट में जाकर ये ना हो, ये बहुत अच्छा है। गोल रोटी अच्छा, गोल रोटी में मेरी समझ में नहीं आता क्या फड्डा है यार, खानी तो तोड़ गई है। वाह वाह वाह, क्या मतलब गोल करके सामने पेश करना? गोल रोटी का भी कॉन्सेप्ट है, गोल रोटी का कॉन्सेप्ट क्या है? अब उसमें को आड़ी टेढ़ी रोटी दी जाए, अच्छी नफसियाती होती है रोटी गोल का या पराठा चकोर? हां बड़ा बड़ा बड़े अच्छे फिर अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन चकोर चाइन द शो में नहीं होगा। तू अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये क्या लगा अम्मी का? क्या है अम्मी? नहीं अम्मी का नहीं है, मेरी गर्लफ्रेंड ने दिया मुझे। क्यों ऐसे मतलब चमकते रहोगे? चकोर फूल का आप बना रहे थे? चकोर पराठा बनाती हूँ, डबल करके बनाते हैं जी, उसके अंदर घी लगा के और चीजें लगा के। लेकिन अब आपने कहा शादी का, ये ना हो ना कि शादी के बाद अभी आप माशाल्लाह जैसे अप टू डेट रहती हैं, ऐसे बाल वाल बना के मेकअप कर, शादी के बाद भी फिर आप ऐसे तैयार रहे ना शौहर को वेलकम करने के लिए, वेलकम होना चाहिए ना। अच्छा कहते हैं जब अपनी बीवी से प्यार होने लगे ना तो समझ लो बुढ़ापा आ गया। हाय हाय हाय, मैं नहीं कहता, मैंने कहीं पढ़ा था, तो ये बस सच है क्योंकि आपने अपनी फ्रेंड सर्कल में देखा होगा, देखा होगा। और इंसान बूढ़ा कब कहलाता है? आदमी अगर देखा जाए बूढ़ा कब कहलाता है? कब? जब बीवी कहती है जाइए मेरी सहेली को घर छोड़कर आइए, रात बहुत हो गई। ये मुझे अच्छा बीवी ज्यादा खूबसूरत हो तो ये वाकई सही बात है कि शौहर को टेंशन रहती है? ऐसी बात है, ऑफिस में भी टेंशन में रहते हैं बार बार, अब तो वीडियो कॉल का जमाना आ गया है, अब तो बीवियां भी कॉल से करती है शौहर को, लेकिन शौहर भी शौहर टेंशन में रहता है बाहर से आते हैं। और
जब भी नजर लगी ना औरत की वजह से लगे, मर्द तो देखते ही बोलते हैं माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ये बात है। हाँ। अपनी बीवी को नहीं दूसरे की बीवी को, ये क्यों है? हाँ। ये है बात। अच्छा वैसे आजकल के मर्द भी ना अपना ख्याल रखते हैं, मैं देख रही हूँ तुम चांद रहते हैं किसी ओकेजन पे ना लड़के बैठे होते हैं वही वैक्स करवा रहे होते हैं फेशियल करवा रहे होते हैं, क्या चक्कर है? देख लिया आपने लड़कों को? नहीं नहीं वो मोबाइल पे देख लेते ना ये वैक्स ही करवा देते हैं ना। अच्छा बाबू जी जिनको दूर दूर से रिश्ते आते हैं ये नजदीक वाले उनके करतूतों से वाकिफ होते हैं क्या? अच्छा खाना आपको दूर का रिश्ता पसंद है या गैरों में करेंगे या अपनों में करेंगे? नहीं, मैं देखिए आखिर में खाला खाला का लड़का मामू का लड़का ये मामू का लड़का है यही बच जाते हैं आखिर में, मतलब जो भी सोचे इंजीनियर पायलट। आपको शादियों में ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है, हर शादी में ऐसी लड़की जरूर पाई जाती है जो दुल्हन से भी ज्यादा तैयार होकर आई होती है। लोग कहते हैं यार ये लोग उसी को टारगेट करते हैं और दूल्हा भी उसी को देख रहा होता है ये पहले कहां थी यार। ये शादी वाले दिन बहुत होता है जब आप स्टेज पे बैठे हुए होते हैं ना, जब आपको अरे यार खानदान में ये भी एक आदमी वो पता पढ़ने गई एक आप कपड़े खरीद लो फिर बाद में कपड़े अच्छे लगा दो देख लो बीवी से शादी कर लो बाद में अच्छी लगा दो और एक आप मोबाइल खरीद लो 2.5 लाख रुपए और का बात जा रहा है पहले का जो दौर होता था ना ये पहले का जो दौर होता था वो सस्ता दौर होता था, लोगों के 10 से 12 बच्चे होते थे और आजकल महंगाई की वजह से हर शख्स ने 2 बच्चों वाला पैकेज करवाया हुआ है। हाँ ये पहले तो बच्चे शादी के बाद आप कितने चाहती है कितने 2 हो या होता ना अल्लाह का तो अल्लाह देता है जाहिर सी बात है लेकिन आपकी क्या लेकिन कोशिश तो अपनी होती है लेकिन आपकी मेहनत 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 तो आपकी ना नहीं 2 ही हो एक लड़का और एक लड़की। और ये पैकेज आप बाद में कराइएगा। ओके अब ये है कि जो भी है मतलब मर्द और औरत पे बात हो रही थी लेकिन बात हुई नहीं जो मियां बीवी पे बात मियां बीवी मर्द औरत ही होते हैं बिल्कुल तो मियां बीवी 2 गाड़ी के पहिए होते हैं एक आ जाता है और एक पहिया भी खराब हो जाए तो गाड़ी आगे चल नहीं सकती और अगर रिक्शा हो किसी के पास रिक्शा मतलब ये होता है कि एक शौर 2 बीवी है तो वो रक्षा बन जाता है तो वो रक्षा भी जो है ना वो शौहर ही चला रहा था आगे वाला टायर जो होता है वो शौहर होता है। लेकिन ये कि मर्दों से मेरे में फिर हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू कि अपनी बीवियों की रिस्पेक्ट करें और जिस दिन काम वाली काम पर ना है ना उस दिन बीवी से उलझना नहीं और ये किचन में जो है ना किचन में तंग ना करें बीवी को, खाना पका रही पकाने पकाने दे उसे वहां जाके ये रोटी ये फलाना ये नमक तेज वो तो भाई जिस वक्त काम कर रही हो जिस वक्त मेकअप कर रही हो औरत को परेशान नहीं करना। अपना बहुत ख्याल रखिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बरकत बीवी की हरकत को वीडियो को लाइक करें शेयर करें थैंक यू सो मच।